देहरादून के आपदा नियंत्रण कार्यालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तरकाशी के सिलकियारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सिलकियारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की मौजूदा स्थिति और टनल में फंसे श्रमिकों की कुशल क्षेम की जानकारी ली। वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि रेस्क्यू कार्यों में लगी सभी टेक्निकल एजेंसियों को शासन प्रशासन और अधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक सहयोग और सहायता समय पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्तर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निरंतर निगरानी की जा रही है और राज्य सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जब से ये घटना हुई है तब से ही जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं और राज्य सरकार के सभी विभाग इसमें लगे हुए हैं, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एनएचआईडीसीएल के जो अधिकारी, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है जो ये काम कर रहे हैं, और यहाँ से एक्सपर्ट्स भी भेजे गए थे, वो अपनी जाँच भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसमें सभी लोग लगे हुए हैं और राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से अलर्ट है। अभी मुख्यमंत्री जी राजस्थान में है, लेकिन उन्होंने वहां से मुझे फोन करके कहा कि आप जाके एक बार अपडेट ले लो।